कोलगेट मिसवाक आप सब जानते हैं जनाब, खूबियां मिसवाक की और सादत उम्रे की। जो कोलगेट मिसवाक का उम्रा पैकेजिंग वाला पैक है आप वो हासिल करेंगे, खरीदेंगे तो उसके ऊपर एक प्रोसेस दर्ज हुआ हुआ है। यू कैन फॉलो द प्रोसेस, आइए आइए आइए, यू कैन फॉलो द प्रोसेस एंड वेरी इजीली बी अ पार्ट ऑफ द उम्रा कॉन्टेस्ट, जो कि हमने कुछ लोगों का नाम अनाउंस किया जिन्होंने उम्रे की सादत का ये तोहफा हासिल किया कोलगेट मिसवाक की जानिब से, और कुछ मजीद लोगों का नाम इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करेंगे। लेट्स बिगिन, जेर जबर पेश हमारे पास जो टीम्स हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबके नाम सामने रखेंगे। टीम जेर में है जियाउर रहमान और उवैस अहमद, दोनों भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। टीम जबर में आरफीन शेख और दुआ बहन भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। दुआ जरा उछल के जवाब देना पड़ेगा तुम्हें भाई, सही है माइक पकड़ के। टीम पेश में शुएब जैदी और औसाफ इमरान, दोनों दोस्त हैं। तो भाई भाई बहन और दोस्त, आज मुकाबला मजे का होने वाला है इंशाल्लाह। क्विकली बता देती हूँ तरीकाकार, सबको पता है दो राउंड्स हैं। पहले राउंड में हर टीम से पांच पांच सवाल, जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त, और उस 10 सेकंड के जवाब में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जवाब गलत दिया, नो नेगेटिव मार्किंग, नो पॉजिटिव मार्किंग, हम आगे बढ़ जाएंगे। जो भी स्कोर होगा उसको लेकर बढ़ेंगे बजर राउंड की जानिब। बजर राउंड में 10 सवाल, 10 सवालों पे गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी और फिर हमें मिल जाएगा आज का विनर। शुरू करते हैं टीम जेर आपसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जेर जबर पेश टीम जेर से, राउंड वन का पहला सवाल ये। टीम जेर, कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसे सूरत निसा सुगरा कहा जाता है? सूरह आदियात, सूरह तलाक, सूरह अल असरा या सूरह मरियम? सूरह तलाक। सूरह तलाक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल टीम जेर, फरजंदे खलीलुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा और कौन से पैगंबर हैं जिनके कदमों से पानी का चश्मा जारी हुआ? फरजंदे खलीलुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा कौन से पैगंबर हैं? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हजरत नूह अलैहिस्सलाम? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इंफॉर्मेशन थी, पढ़ा है कहीं पर या तुक्का लगाया है? नहीं, स्टडी है, स्टडी है, स्टडी की है तो गलत कर ली बेटा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सूरह स्वाद की आयत भी है 41 और 42, उसमें इसका जिक्र है। इनमें से कौन से सहाबी हैं जो सबसे पहले जन्नतुल बकी में दफन किए गए? हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो? सबसे पहले जन्नतुल बकी में इनमें से किसको दफन किया गया? हजरत उस्मान बिन अफ्फान, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर? हजरत उस्मान, उस्मान बिन अफ्फान या उस्मान बिन मज़ऊन? उस्मान बिन अफ्फान। हजरत उस्मान बिन अफ्फान जवाब दिया गलत, बहुत करीब थे। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले सहाबी रसूल हैं जिन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। चौथा सवाल टीम जेर, जोर पकड़ो, इनमें से कौन सा पार्क है जिसका नाम तहरीक आज़ादी के एक रहनुमा के नाम पर है? निश्तर पार्क, मंटो पार्क, जहांगीर पार्क या सफारी पार्क? तहरीक आज़ादी के रहनुमा के नाम पर, वक्त ख़त्म हो रहा है। निश्तर पार्क, मंटो पार्क, जहांगीर पार्क, सफारी पार्क? मंटो पार्क। मंटो पार्क, सफारी पार्क नहीं है, पक्की बात है? निश्तर पार्क यार, सरदार अब्दुल रब निश्तर के नाम पर रखा गया। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। इस शोहरा आफाक कलाम के शायर का नाम बताइए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पुरनम इलाहाबादी, राजा राशिद महमूद या बहनजाद लखनवी? बहनजाद लखनवी। गलत जवाब, पुरनम इलाहाबादी सही जवाब है। जेर मजा नहीं आया भाई, क्या हो गया? 10 नंबर लिए सिर्फ टीम जेर आपने। आगे बढ़ेंगे, टीम जबर आप तैयार है? आपसे जेर जबर पेश, राउंड वन का पहला सवाल है ये। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और कुफार ने अल्लाह के हस्बो नब से मुतालिक दरियाफ्त किया, तब कौन सी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी? सूरह साफात, सूरह इखलास, सूरह रहमान या सूरह नसर? सूरह इखलास।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, टीम जबर, कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने ख्वाब देखा कि चांद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं? ऑप्शंस नहीं चाहिए? नहीं, दे दो जवाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैंने यकीन कर लिया कि जवाब आता होगा। मदीने में जब तक मस्जिद नबवी तामीर नहीं हुई, जब तक नहीं हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान किस सहाबी के घर मेहमान बनकर रहे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? कौन से सहाबी रसूल के घर रसूलुल्लाह रहे जब तक मस्जिद नबवी की तामीर नहीं हुई थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गलत जवाब है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी सही जवाब है। कराची का मेरे भाई कौन सा इलाका एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के नाम पर रखा गया? मुशर्रफ कॉलोनी, शीरी जिना कॉलोनी, नया नाजिमाबाद या फिर नाजिमाबाद? मुशर्रफ कॉलोनी। मुशर्रफ कॉलोनी, मुशर्रफ कॉलोनी साबिक वजीर आजम के नाम पर रखा गया, तो मुशर्रफ साहब कभी वजीर आजम रहे क्यों नहीं? वो सदर थे तो उनके नाम पर वजीर आजम भाई नाजिमाबाद वजीर आजम के नाम पर रखा गया, एक साबिक वजीर आजम के नाम पर, ख्वाजा नाजिमुद्दीन के नाम पर रखा गया था। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, मेरा बहुत पसंदीदा कलाम। शायर का नाम बताइए, जफर अली खान, साइम चिश्ती, हफीज तायब या खालिद महमूद खालिद? जफर अली खान, साइम चिश्ती, हफीज तायब, खालिद महमूद खालिद? साइम चिश्ती जवाब दुरुस्त है। टीम जबर वेल डन। लेकिन ये मुशर्रफ कॉलोनी तुम्हें कैसे ख्याल आया, ये मेरा सवाल है। 30 मार्क्स टीम जबर आपके, 10 मार्क्स और 30 मार्क्स टीम पेश। आज का जेर जबर पेश, पहले राउंड का आपसे पहला सवाल है ये। कुरान करीम में उस परिंदे का नाम बताइए जिस पर अल्लाह ने वही की, पहाड़ों, दरख्तों और ऊंची जगहों पर अपना घर बनाओ ये हुक्म नाजिल हुआ। मच्छर, अबाबील, उकाब या शहद की मक्खी? उड़ने वाली ऐसी कौन सी चीज है परिंदा? शहद की मक्खी। शहद की मक्खी, सूरह कौन सी सूरह की आयत है ये? सूरह नहल की आयत है शहद की मक्खी, जवाब दुरुस्त है। हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम ने किस शख्स के कहने पर गाय की पूजा शुरू की थी? बलम बाउर, सामरी, फिरौन या हामान? ऑप्शन रिपीट करिएगा दोबारा। बलम बाउर, सामरी, फिरौन, हामान? सामरी। सामरी। सामरी जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल टीम पेश, इनमें से कौन से सहाबी और रसूल हैं जो अजमी थे यानी अरब से नहीं थे? हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? वो जो अजमी थे अरब से जिनका ताल्लुक नहीं था, कौन से सहाबी रसूल हैं इनमें से? हज़रत सलमान। हज़रत सलमान जवाब बिल्कुल दुरुस्त है टीम पेश, वेल डन। इनमें से कौन से मुनसिफ आज़म यानी चीफ जस्टिस जो सिर्फ 9 दिन अपने ओहदे पर फाइज रहे हैं? जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, ऑप्शन दिया है, जनाब जावेद इकबाल साहब, जवाद एस ख्वाजा साहब या जनाब शहाबुद्दीन? जवाद एस ख्वाजा। सिर्फ 9 दिन के लिए अपने ओहदे पर रहे हैं, जवाद एस ख्वाजा आपने कहा, ये जवाब गलत है। जनाब शहाबुद्दीन सिर्फ 9 दिन के लिए चीफ जस्टिस रहे क्योंकि उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 9 दिन बाकी थे, वो चीफ जस्टिस बने और 9 दिन में घर चले गए, क्या बात है भाई। और जवाद एस ख्वाजा साहब 17 दिन रहे थे, तो करीब करीब है, लेकिन सबसे कम जनाब शहाबुद्दीन साहब। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, शायर का नाम बताइए, शरफुद्दीन बुसेरी, नसीरुद्दीन नसीर, अब्दुर्रहमान जामी या अमीर बिनाई? नसीरुद्दीन नसीर। नसीरुद्दीन नसीर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है टीम पेश, क्या बात है यार, एक जगह फंस गया बस जवाद इस ख्वाजा वाले में, 40 नंबर लिए हैं, वेल डन। बजर राउंड के लिए बजर बजाइए टीम जेर, जबर पेश, सबके बजर्स बज रहे हैं, दिमाग चल रहा है, देखते हैं ये रावलपिंडी एक्सप्रेस जैसा राउंड आज कौन जीत कर जाता है। जबरदस्त जनाब, 10 सवाल पूछूंगी, अगर टाई हुआ तो मजीद एक सवाल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को जुल्फिकार नामी तलवार तोहफे में दी गई। बताइए जुल्फिकार का मतलब क्या है? पेश। आसमान से दी हुई तलवार, आसमान से नाजिल हुई हुई। कोई और जवाब देगा? गलत जवाब। टीम पेश -10। दो मुंह वाली तलवार जुल्फिकार, और इसलिए कहते हैं ये नाम मोस्टली नहीं रखना चाहिए। दैट्स द रीजन। दोनों अपनी बातें करें, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ क्विज हो रहा है। अंग्रेजी जुबान में गौर से सुनो, बहुत मुश्किल सवाल है, सोच कर जवाब देना। अंग्रेजी जुबान में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। क्या बात है, बहुत मुश्किल जवाब सही दिया। अपवा किन अल्फाज का मुखफ्फ है? अपवा, APWA, अपवा किन अल्फाज का मुखफ्फ है? अपवा कॉलेज भी है कराची में यार, कुछ शर्म कर लो। आपको तो आना चाहिए टीम जबर की लड़की। दुआ, दुआ नाम है ना। ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन, ये है वुमेन राइट्स के। इन लड़कों को ये ही नहीं पता कि अपवा किसके लिए स्टैंड करता है। आंख के अलावा मेरे भाइयों और बहन, कौन सी चीज है जिसके बगैर इंसान देख नहीं सकता? आंख के अलावा कौन सी चीज है जिसके बगैर इंसान देख नहीं सकता? तीनों को नहीं आता तो हम आगे चले जाए। बिनाई हो तब भी उस चीज के बगैर इंसान देख नहीं सकता। रोशनी। बिल्कुल दुरुस्त, रोशनी है, लाइट। पांचवा सवाल बजर राउंड का, वो कौन सा बर्र आजम है कि जब दुनिया भर में गर्मी हो वहां पर सर्दी होती है, और जब दुनिया भर में मौसम सर्द होता है तो वहां गर्मी का राज होता है? पेश। ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, ऑस्ट्रेलिया वो बर्र आजम है। जब दुनिया भर में गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, और जब वहां पर गर्मी होती है पूरी दुनिया में उस वक्त सर्दी होती है। छठा सवाल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह पाकिस्तान में भी एक मशहूर वॉल है, उसका नाम बताइए। शर्म करो मुसलमानों, इसी सूबे में। और पूछो भाई, द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, रानी कोट फोर्ट जिसे कहा जाता है, वो उसी तरह से बनी हुई है जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सबको पता है, अपना किसी को नहीं पता, तो कैसे हमारी करेंसी और मुल्क आगे बढ़ेगा? पहेली है, जवाब देना है। सातवां सवाल, दो है हाथ एक कमर, टांगे हैं चार पर नहीं है सर। दो है हाथ और एक कमर, टांगे हैं चार पर नहीं है सर। टेबल? आता है किसी को? टेबल। टेबल, दो हाथ होते हैं उसके। टेबल की कमर कहाँ होती है? टांगे चार। जिसपे बैठे हो तुम लोग यार, कुर्सी। गुड गुड गुड, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, इनको जिताते हैं आज। आठवां सवाल, कौमी तराना जो है पाकिस्तान का, इसमें कुल कितने बंद हैं? चार है पैर, कमर है, सर नहीं है। कुल कितने बंद हैं यार? आज क्या टीम्स हैं यार, क्या टीम्स लाए हो यार? जेर, सवाल रिपीट करिए। हाँ, कौमी तराना जो है पाकिस्तान का, उसमें कुल कितने बंद हैं? बंद होता है, बंद के अंदर पांच मिसरे होते हैं। कुल कितने बंद हैं? तीन बंद हैं। आगे जाएंगे, आठवां सवाल था। नौवां सवाल, ये किसका जुमला है? उस शख्सियत का नाम बताइए। डिग्री डिग्री होती है तालीम की हो या थर्मामीटर की? डॉक्टर बिल्किस को आता है, बताएं। वो सलीम संजरानी। पता है इस औरत को लेकिन नाम नहीं पता। हाँ, वो जो गंजे से है ना। और कैसे हैं? बलूचिस्तान के गंजे से, थोड़े से सख्त, तेज बोलते हैं। हाँ, और बताइए उनके बारे में। बस यही है। उनका नाम है असलम रईसानी, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं बलूचिस्तान के। डिग्री डिग्री होती है तालीम की हो या थर्मामीटर की, और जाली हो या असली, ये भी उन्होंने कहा था। मुहावरा मुकम्मल करें, आखिरी सवाल। नीम हकीम खतरा जां, किसी को भी आज मैं कुकिंग रेंज नहीं दूंगी, घर लेके जाऊंगी। नीम इल्म खतरे ईमा, क्या है स्कोर भाई इनका? बजर राउंड तो आज हुआ ही नहीं। जेर 30, जबर के कितने? 30। और पेश
पेश ने कुछ किया नहीं ज्यादा, लेकिन जीत गए फिर भी टीम पेश वाले शुएब जैदी और असाफ इमरान दोस्त। आज दोनों जीत कर जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त से गिफ्ट। एक तो आपके लिए एसके की कुकिंग रेंज है, बाकी जो तहाइफ आपको मिल रहे हैं वो सबको मिल रहे हैं, यानी कोलगेट मिसवाक, लेमन मैक्स, नेचुरलाइज, वॉल्का, इन तमाम कंपनीज की जानिब से, ब्रांड्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स और मैकडॉनल्ड्स के वाउचर्स। कंग्रेचुलेशंस टीम पेश, आज आप छा गए, थोड़ी तैयारी करके आया करो भाई, जो घरों में लोग देख रहे हैं। ये सेगमेंट सिर्फ इसलिए तरतीब दिया है कि हमारी थोड़ी इस्लामिक नॉलेज में और जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाए, और ये बेहतरीन सेगमेंट सालों से चलता आ रहा है, एंड वी वांटेड टू डू इट।